कितना टाइम लग रहा है इसमें रिवील फेस। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपका स्वागत है हमारे चैनल ब्लॉग्स बाय एजे। एंड ये है ब्लॉग डेली होने वाले हैं और अभी हम जाएंगे कहीं अच्छी जगह घूमने और वो करेंगे हम सीधा वहीं पर रिवील कहां जा रहे हैं। आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे भी। और इसी तरह हमारे ब्लॉग से जुड़े रही है और चलते हैं। तो अभी नहा लिया है और नहा कर उठ के रेडी और खाना खा के फिर जाएंगे कहीं घूमने और बताएंगे आपको पूरा व्यू। कितना टाइम लग रहा है इसमें? अभी तो जिम तब से रहना है, उस दिन नहीं गए थे, आज जाएंगे। जो लेकर आए थे पूजा पाठ का सामान वो है श्राधिका जन्ना जी ने और अभी चलते हैं कहीं अच्छी जगह। अभी आ चुके हैं हम पार्क, ये है ताज व्यू पॉइंट। यहाँ से ताजमहल का नज़ारा बहुत ही अच्छा दिखता है, अभी हम दिखाएंगे आपको। अभी ये ली टिकट, ये देखिए गर्मी में कैसे सो रहे हैं। तो अभी फिलहाल हम आ चुके हैं मेहता पार्क और ये काफी अच्छा गार्डन है। यहाँ से जो हमारे जो ताजमहल का व्यू है वो काफी अच्छा दिखता है, बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट है यहाँ पे देखिए। इस पार्क में मुझे एक दिखा है कुआं जिस पर जाली लगी है, देखिए ये रहा, पता नहीं ये किस काम था लेकिन पता नहीं। खैर पार्क अच्छा है और यहाँ पर शांति भी और वातावरण भी, पंछियों की आवाज़ बहुत ही बढ़िया आ रही है, काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पे। यहाँ पर यार पेड़ कितने बढ़िया लग रहे हैं, देखिए कितनी अच्छी की फुलवारी है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा व्यू है। गलत बात है कि पार्क में हम आए और पार्क में कोई नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा है, देखिए चारों तरफ कोई नहीं है मेरे अलावा, पता नहीं क्यों इतनी गर्मी ऐसा है, इसी वजह से लोग नहीं आते हैं देखिए। देखिए यहाँ पर है बॉन्टल ब्रज, ये देखिए काफी अच्छा है, काफी मकसद था आपको जो यहाँ पर जो ताज व्यू पॉइंट है वो दिखाना है और बाकी गार्डन तो सभी जगह नॉर्मल ही होते हैं, पर मेन चीज यहाँ पर है ताजमहल का जो व्यू पॉइंट, बहुत ही एक नंबर आता है, बहुत ही मस्त।